इस वीडियो में आपको बताऊंगी बांधनी साड़ी का ब्लाउज़ कैसे बनाएं। तो देखिए ये ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया है, एक तरफ बॉर्डर में ब्लाउज़ में यूज़ करूंगी और दूसरी तरफ का बॉर्डर जो है स्लिप में यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्लाउज़ जो है रनिंग है, ये डबल कलर में आएगा जैसा साड़ी है वैसा ही। तो देखिए ये ब्लाउज़ मैंने येलो कलर वाला पीस कट कर लिया है, जो बॉर्डर था वो उसको साइड में रख दिया है। और देखिए ये इसका अस्तर है, ड्राफ्ट अस्तर पर कर ले। तो देखिए यहाँ से पहले ब्लाउज़ की लंबाई बता देती हूँ, 14.5 इंच ली है और ये हमारा 34 साइज़ का है, 10.5 इंच है। तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा, 2 इंच का इसमें मार्जिन है। कोई भी साइज़ का बनाते हैं 2 इंच का मार्जिन ले लें। और देखिए इसके जो मुंडे लिए मैंने 5.5 इंच लिए हैं, इसका शोल्डर भी 5.5 इंच लिया है। आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं, ये डिज़ाइन किसी भी साइज़ के ब्लाउज में डाल सकते हैं। तो देखिए शोल्डर से मैं 3 इंच ले रही हूँ, मैं इसमें डोरी भी लगाने वाली हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से अभी लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखिए मैं इसको डीप रख रही हूँ, मैंने 11 इंच लिया है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डीप पहनते हैं तो और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरीके का बॉक्स बन गया और अभी हम शेप देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सेम रहेगी, नीचे से हल्का सा ब्रॉड कर लें। अगर ब्रॉड पहनते हैं आप, नहीं ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं तो इसी लाइन के अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा राउंड नेक आएगा, सेम ड्रॉट पर कट करेंगे। देखिए इस तरीके का ये ड्राफ्ट आएगा और अभी इस ड्राफ्ट को रख के जो हमारा ये बॉर्डर है इसका हम पैच कट करेंगे। देखिए कपड़े पे कट करने से पहले हम कैनवास पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने कैनवास का एक टुकड़ा ले लिया है और जो हमारा नेक का ड्राफ्ट है इसको इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। अंदर का सेम रहेगा, बाहर हम 1 इंच चौड़ा पैच लगाने वाले हैं, पहले अंदर की मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमारा ये कट होगा, अभी हम लेते हैं इसकी चौड़ा इस तरीके से राउंड नेक में ड्रॉ कर देंगे लाइन। तो देखिए ये ड्रॉ हो चुका है, अभी जो अंदर का मार्जिन है यहाँ से हम यहाँ तक कट कर लेंगे, जो ये आउटलाइन है इसको भी कट कर लेंगे। देखिए ये मैंने कट कर लिया है, इस तरीके का ये ड्राफ्ट रहेगा। अभी जो हमने कपड़ा लिया है तो देखिए ये जो बॉर्डर है इसका मैं पैच लगाने वाली हूँ, तो पहले हम इसकी लंबाई के पीस कर लेंगे और जो छोटा सा पीस बचेगा उसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इससे क्या है, जो बॉर्डर है हमारा पूरे नेक में आ सके, अगर थोड़ा सा आएगा तो ये प्लेन भी आ जाएगा क्योंकि बॉर्डर थोड़ा कम चौड़ा है। तो इसकी लंबाई ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दूंगी बॉर्डर को। देखिए लंबाई इस तरीके से ले लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ तक हमारा ये लंबाई में रहेगा। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और जो ये पार्ट बचेगा इस पार्ट को मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी, तो ये पैच हमारा इस साइड में आ जाए। बॉर्डर मैंने लंबाई के अनुसार जो मार्किंग की है ये पैच बचा है, तो इस पैच को हम क्या करेंगे इसके बीचों बीच में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए एक सिलाई हम यहाँ पर डाल देंगे, एक सिलाई यहाँ पर डाल देंगे, इससे क्या होगा ये पैच हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इसको अस्तर के साथ तैयार कर लिया है, ऐसे नेक से लेके पूरा स्टिच कर लिया था, नेक को कट कर दिया है, 5 इंच लंबी प्लेट भी डाल दी है। तो ये दोनों पीस हमारे एक साथ तैयार हो चुके हैं और अभी हम इसमें कमर में फिनिशिंग दे देते हैं। तो मैं कमर में पाइपिंग देने वाली हूँ, इसके बारे में बताते हैं। देखिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है स्ट्रेट, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी और कमर में पाइपिंग स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी पतली सी पाइपिंग तैयार हो गई है और अंदर की तरफ यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। अभी इसको साइड में रख देते हैं और देखिए जो मैंने ये कपड़ा लिया था, तो देखिए इस पार्ट को मैंने जो एक्स्ट्रा बॉर्डर बच रहा था कटिंग के बाद ये पीस मैंने इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद और इसके ऊपर ही कैनवास भी नेक का ड्राफ्ट स्टिच कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि पूरा पैच हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको सेम अस्तर भी ले लेते हैं और अस्तर के साथ जो नीचे वाली फिनिशिंग है इसको दे। तो देखिए ये मैंने अस्तर ले लिया है और इसको इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं और जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए इस तरीके से अभी हम यहाँ से एक तरफ से लेके पूरा इसको दूसरी साइड तक स्टिच कर देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे। देखिए ये पूरा मैंने कट कर दिया है, अभी सेम अंदर का पार्ट भी इसी तरीके से कट कर देंगे। देखिए इसको मैंने कट कर दिया है और इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद इस तरीके से आ जाएगा ये और जो हमारे ये खुले हिस्से हैं यहाँ पे हम एक सिलाई डाल देंगे जिससे ये दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे।
देखिए ये पैच भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी जो हमारा ये ब्लाउज है इसको उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर, तो देखिए जैसे मैंने आयरन किया था तो यहाँ पे ये लाइन छपी हुई है, यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ। अभी जो हमने पैच तैयार किया है इसका भी सेंटर ले लेंगे, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी एक मार्किंग कर देंगे और इस पैच को हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। तो जो मार्किंग है उस मार्किंग पे पॉइंट हमारे दोनों इस तरीके से दिखने चाहिए यहाँ पर। अभी हम पहले इसको पिन से तैयार कर देते हैं। पैच को मैंने पिनअप कर दिया है, जैसे मैंने बताया मैं इसमें डोरी लगाने वाली हूँ, तो डोरी भी हम इसी के साथ स्टिच कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। तो शोल्डर से 3 इंच ले लें, यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में, और डोरी को भी हम इस पैच के नीचे से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये डोरी स्टिच हो जाएगी और पूरे नेक में अभी सिलाई डाल देते हैं। देखिए पिन मैंने निकाल दिए हैं और इस पैच को अभी हम सीधी तरफ पलट देते हैं, उल्टा ब्लाउज को सीधा रख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको पलटने के बाद जो किनारे पे सिलाई आएगी, इस सिलाई के साथ ही ये मैंने एक ट्रायंगल वाली लेस ली है, तो जो ट्रायंगल है खाली इतना ही हम बाहर की तरफ निकालेंगे, बाकी का जो पार्ट है प्लेन उसको अंदर की तरफ स्टिच। देखिए ये पैच भी हमारा तैयार हो चुका है, नेक में अटैच हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखिए लगा दिया लेस, और देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है, ये 2x2 का है और इसका मैं ट्रायंगल तैयार करूँगी। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक यहाँ पे फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे एक सेंटर में एक पिन लगा देंगे और एक इस साइड में, इससे क्या हो ये पैच हमारा एकदम बराबर से रहे। और अभी इन ट्रायंगल को हम अटैच करते हैं, तो किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर, देखिए जो ट्रायंगल है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे और जितना बड़ा आपको बाहर की साइड निकालना है सिर्फ उतना ही हम बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरीके से दिखेगा, किनारे पे सिलाई डाल देते। ट्रायंगल हमारे सभी अटैच हो चुके हैं, जो ये ट्रायंगल है इसमें एक एक हम मोती लगाएंगे। अभी यहाँ पे हम एक लेस लगा देते हैं। देखिए ये आउटलाइन पे मैंने स्टिचिंग डाल दी है, सेम नेक में भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे, इससे क्या होगा हमारा ये नेक का डबल लुक आ जाएगा। तो देखिए जो ट्रायंगल हमने लगाए थे शोल्डर से, इसमें मैंने एक एक मोती पूरा नेक में स्टिच कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल थे यहाँ पे मोती आने से कितना अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पे हमारी लेस आ रही है, यहाँ पे हमारा जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने यूज कर लिया है, यहाँ पे हमारी डबल लेस आ रही है, अंदर की तरफ हमारी ये कोने वाली लेस आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। नीचे हमारी इसमें पाइपिंग भी आ रही है, देख रहे हैं ब्लाउज का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। देखिए इसी ब्लाउज डिज़ाइन के लिए मैंने ये सुंदर से लटकन बनाए, आप इसका वीडियो भी देख लें, जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की ये बैक रेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।